देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बिष्ट, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर कालाढूनी से, भाजपा प्रदेश महामंत्री ने किया 2022 के फतेह का दावा। आपको बताते चलें, भाजपा प्रदेश महामंत्री इन दिनों कालाढूनी विधानसभा के सभी मंडलों का दौरा कर रहे हैं, जहां उनके द्वारा प्रत्येक बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट कालाढूनी विधानसभा के प्रत्येक बूथ कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं। इस दौरान भारत माता एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा स्वर्गवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, और साथ ही बताया कि भाजपा सरकार इस बार उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की मिथक को भी तोड़ने जा रही है और 2022 विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ सरकार बनाने में सफल रहेगी। आप देख रहे हैं कालाढूनी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर से उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएगी। हम इस बार उत्तराखंड का ये मिथक टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी ये सर्वदूर आजकल कहा जाता है कि एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा। उत्तराखंड के अंदर भी हम सब कार्यकर्ता मिलकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर और आम जनता को पार्टी के साथ जोड़कर हम फिर से उत्तराखंड में 2022 में सरकार बनाएंगे और इस मिथक को हम तोड़ेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।